स्वागत है और बता दें कि मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन पर फिलहाल सीएम राजे शोक व्यक्त करने के लिए पहुंची हैं बहरोड के लिए। मुख्यमंत्री यहां पर रवाना हुई और यहां पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवार के बीच पहुंची हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन पर शोक जताने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवार के बीच पहुंची हैं और पीड़ित परिवार के बीच मौजूद रहकर मुख्यमंत्री परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फिलहाल यहां पहुंची और धर्मपाल चौधरी को नमन करते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की, परिवार को सांत्वना दी। शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवार को ढांढस बंधा रही। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन हो गया और इस वक्त परिवार के साथ मौजूद है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची। परिवार के लोग मौजूद, बीजेपी के तमाम अधिकारी पदाधिकारी आसपास के लोग मौजूद हैं। इस वक्त शोक में पूरा परिवार डूबा हुआ है और इस बीच मुख्यमंत्री राजे भी परिवार को हिम्मत देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मपाल चौधरी अब नहीं रहे, परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। मुंडावर से विधायक धर्मपाल चौधरी अब नहीं रहे और परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंची हैं। फिलहाल परिवार के साथ मौजूद चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता फिलहाल हमारे साथ हेम सिंह जुड़े हैं। हेम सिंह, ये बेहद दुख का वक्त कहा जा सकता है इस परिवार के लिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं शोक व्यक्त करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए। चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सहयोगी हेम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि विधायक धर्मपाल चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अलवर के मुंडावर से विधायक धर्मपाल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत होनी थी और उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन सुबह बताया जा रहा है करीब 3 बजे हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ और पार्थिव शरीर फिलहाल उनके पैतृक गांव जाट बहरोड में है। और अंतिम संस्कार से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हैं, परिवार के बीच मौजूद, परिवार को सांत्वना देने के लिए। इस वक्त दुख की घड़ी परिवार के लिए है, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं। और
विधायक धर्मपाल चौधरी के राजनीतिक सफर को अगर हम याद करें तो उनका बेहद अच्छा सफर रहा है और राजनीतिक तौर पर खुद को उन्होंने साबित किया है। इस वक्त परिवार आहत है, परेशान है, दुखी है और इसी घड़ी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। और आपको बता दें कि विधायक धर्मपाल चौधरी अलवर के मुंडावर से विधायक हैं और अभी तक उम्मीद कहीं ना कहीं फिलहाल आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था सीने में दर्द की शिकायत की वजह से, लेकिन सुबह करीब 3 बजे हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और शायद इस बात को किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की खबर अस्पताल से सामने आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद, बीजेपी के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं, दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ मौजूद हैं। और धर्मपाल चौधरी 2003, 2008 और 2014 में भाजपा से विधायक के पद पर निर्वाचित हुए थे। सीने में दर्द की शिकायत उन्हें थी और इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सुबह करीब 3 बजे हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप जाट पे रोड से देख रहे हैं, उनके पैतृक गांव में परिवार मौजूद है, उनका अंतिम संस्कार करने से पहले तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और धर्मपाल चौधरी अलवर के राज क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता माने जाते थे और उनकी अच्छी पैठ थी क्षेत्र में, समाज में, और अलवर जिले की जाट महासभा से लगातार अध्यक्ष भी रहे, 2000 से लेकर 2014 तक अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल प्रदेश भाजपा में खासतौर पर ये शोक की लहर है। धर्मपाल चौधरी 2003, 2008 और 2014 में भाजपा के विधायक पद पर निर्वाचित हुए थे। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्हें संसदीय सचिव बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। जाट नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, कद्दावर नेता थे और फिलहाल प्रदेश भाजपा में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर मौजूद हैं और सांत्वना प्रकट करने के लिए परिवार के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि धर्मपाल चौधरी का जन्म बहरोड क्षेत्र के जाट बहरोड गांव में 1954 में हुआ था और उनके 2 बेटे 1 बेटी हैं। धर्मपाल चौधरी कृषि, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा से जुड़े हुए इंसान थे और क्षेत्र के लोगों में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रही है और वहां पर लोगों के दिलों में बसे हुए थे, लेकिन फिलहाल आज निधन हो गया इस दुनिया में। अब धर्मपाल नहीं रहे, धर्मपाल चौधरी नहीं रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवार को सांत्वना प्रकट करने के लिए परिवार के बीच पहुंचे हैं। अलवर के मुंडावर से विधायक धर्मपाल चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया और फिलहाल प्रदेश भाजपा के लिए बेहद दुख की ये घड़ी कही जा सकती है। परिवार इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं, अलवर के मुंडावर से विधायक रहे हैं और बता दें कि अस्पताल में सीने में दर्द की शिकायत की वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन सुबह करीब 3 बजे हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जाट बहरोड गांव से, पैतृक गांव धर्मपाल चौधरी का, जहां पर तमाम लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर मौजूद, धर्मपाल चौधरी के परिवार के सदस्य भी यहां पर मौजूद हैं। अंतिम नमन
धर्मपाल चौधरी को किया जा रहा है और जाहिर तौर पर राजनीतिक सफर के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर जो शख्सियत रही है उनकी, इसकी वजह से भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और आज ये लोग बेहद दुखी होंगे क्योंकि इस क्षेत्र के कद्दावर जाट नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। अलवर जिले की जाट महासभा के लगातार अध्यक्ष भी रहे हैं।